विदिशा जिले में पिछले दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद से शहर में जगह जगह जल भराव की स्थिति बन गई है। भारी बारिश के बाद से शहर के कई वार्ड और पाराशरी नदी किनारे की आवासीय बस्तियों में जल भराव हो रहा है। पाराशरी नदी के उफान पर आने के कारण वार्ड नंबर 8 व 9 की बस्तियों के करीब 50 घरों में जल भराव की स्थिति बन गई है। नगर पालिका द्वारा शहर के मुख्य मार्गों पर ऐलान करवाया जा रहा है। वहीं निचली बस्तियों में घरों में पानी भरने पर शिविरों में जाने को कहा जा रहा है। वहीं पाराशरी नदी भी पूरे उफान पर है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 100 लोगों के फंसे होने पर उन्हें हेलीकॉप्टर से निकालने उसके लिए कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने वायुसेना की मदद मांगी और पत्र लिखा। वहीं सिरावत गांव में लोगों को निकालने की कवायद जारी है। इस कारण त्योदा रोड से गुलाबगंज जाने वाले मार्ग पर आवागमन बंद हो गया है। दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए पुलिस ने रास्तों को बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिया है। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। लगातार चारों तरफ जल भराव की स्थिति बनी हुई है। यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। प्रशासन की ओर से रहने पहने की क्या व्यवस्था है? प्रशासन पूरी मुस्तैदी से सारे कार्यों पर निगाह रखा हुआ है। रेस्क्यू भी किया जा रहा है, उनको रुकवाने की व्यवस्था भी स्कूलों में, बासोदा में, हर जगह की जा रही है। और मुझे विश्वास है, मैं पूरे ही लोगों को रेस्क्यू के माध्यम से, पूरा प्रशासन क्योंकि अलर्ट है, और रेस्क्यू के माध्यम से हम सब लोगों को सुरक्षित पहुँचा। कितने लोगों को निकाला जा चुका होगा? अभी कम से कम 100 लोगों के करीब में रेस्क्यू हो चुका है। इनकी और तमाम व्यवस्था भी, अभी रेस्क्यू चल ही रहा है और सबके रुकने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था सब कर ली गई है। स्कूल में सारी व्यवस्था और चारों तरफ देखने में आ रहा है। और भी आपने कई जगह अभी डैम वगैरह देखने गए थे, तो वहाँ कैसी क्या स्थिति? और हमारे कई क्षेत्रों में विस्कावली, निबोधिया, नौगई पे कुछ लोग फंसे हुए हैं, उनको सबको निकालने की व्यवस्था है। साथ ही आसपास के क्षेत्र, राजखेड़ा जैसी जगह पे एयरलिफ्ट करने की भी व्यवस्था प्रशासन ने की हुई है। हम पूरे ही हमारे लोगों को सुरक्षित यहाँ से निकाल लेंगे, हर जगह से। ये बात सही है कि कल बहुत ज़्यादा अति वर्षा के कारण ये इस तरह का निर्मित हो गई है, लेकिन हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।